उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में स्थित एक मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। डॉक्टर की पत्नी और उनकी बेटी भी कोरोना से संक्रमित है, जिन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। 12 मार्च से 18 मार्च तक जो भी उस मोहल्ला क्लिनिक में गया हो उन्हें क्वारंटीन होने के लिए बोला गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर उन्हें कोविड-19 के लक्षण दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। दुबई से आई एक महिला डॉक्टर के संपर्क में आई थी। 23 मार्च को उस महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 24 मार्च को डॉक्टर के भी कोरोना होने की पुष्टि हो गई। दुबई से आई उस महिला के परिवार में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक पड़ोसी भी संक्रमित हुआ है। बता दें, देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 600 पार कर गया। इस दौरान बुधवार को 70 नए मामले सामने आए थे। इस बीच दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करने वाले एक डॉक्टर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और पूरे इलाके में एक नोटिस चस्पा कर दिया। इस नोटिस में आदेश दिया गया है कि जो भी लोग 12 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच इस मोहल्ला क्लिनिक में आए हो वो अगले 15 दिन के लिए खुद को होम क्वारंटीन कर ले। नोटिस के मुताबिक आप सभी को सूचित किया जाता है कि डॉक्टर गोपाल झा मोहल्ला क्लिनिक मौजपुर दिल्ली कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अतः वे सभी मरीज या लोग जो दिनांक 12/3/2020 से लेकर 18/3/2020 तक इलाज करवाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक मौजपुर दिल्ली आए थे, उनसे प्रार्थना है कि अगले 15 दिनों तक स्वयं को घरों में सुरक्षित रखें। यदि कोरोना वायरस के लक्षण पता लगे तो तुरंत निम्नलिखित पते पर रिपोर्ट करें। एक अनुमान के मुताबिक एक मोहल्ला क्लिनिक में रोजाना करीब 150 से 200 मरीज आते हैं। 12 से 18 मार्च के बीच एक रविवार पड़ता है जब मोहल्ला क्लिनिक बंद रहा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 12 से 18 मार्च के बीच 6 वर्किंग डे में करीब 1000 मरीज इस मोहल्ला क्लिनिक में आए होंगे, जिन पर संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए उनको उनके घर में ही क्वारंटीन रहने के आदेश हैं।